पूजा न्यूज में हूँ आपके साथ पूजा खविया। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। सबसे पहले एक नजर इस वक्त आ रही बड़ी खबर पर, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले मामले को लेकर दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आज 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। जीआर स्पेशल CBI कोर्ट में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। स्पेशल CBI कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। आज फैसले की घड़ी थी। सभी आरोपी जिनमें ए राजा, कन्नी मोझी समेत जितने भी आरोपी थे, उनको सबूतों की कमी के आधार पे बरी कर दिया गया है। तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, जिसमें खबर ये आ रही है कि सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। दरअसल आज जिस सुनवाई थी 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में, इसमें स्पेशल CBI कोर्ट में बरी कर दिया गया आरोपियों को। ए राजा, कन्नी मोझी समेत जो तमाम बाकी के 17 से 18 आरोपी थे, उनको बरी कर दिया गया है। और वजह सबूतों की कमी है। सबूतों की कमी के चलते ही सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। तो सबसे बड़ा जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, उस मामले को लेकर आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। चलिए अब आपको ये बता दें कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आखिरकार है क्या। कुछ ग्राफिक्स आपको हम दिखा रहे हैं, इन ग्राफिक्स के मुताबिक आपको बताते हैं कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कब हुआ और आखिरकार ये पूरा घोटाला क्या है। तो मामला साल 2010 से, इसके बाद मामला ये लगातार कैसे आगे आया और उसमें कितने लोग जो शामिल हुए, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में कंपनियों को आवंटन दिए गए थे, जिसके बाद आवंटन के बाद जो नीलामी है, उस नीलामी को लेकर सवाल उठे और वहीं से ये पूरा का पूरा जो घोटाला है, भ्रष्टाचार है, वो उजागर हुआ। 2G घोटाला आखिर है क्या, ये आपको बता रहे हैं हम। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। साथ ही हमारे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, हरीश चोपड़ा। हरीश चोपड़ा जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हरीश चोपड़ा जी, इतना बड़ा घोटाला 2G स्पेक्ट्रम, इसमें आपको बता दें सभी जो आरोपी हैं वो बरी हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये से राजनीतिक विडंबना मानिए या न्याय प्रणाली की विडंबना, जिस 2G घोटाले को लेकर राष्ट्र की राजनीति में एक तूफान खड़ा हुआ, जिस पर पूरी की पूरी UPA सरकार को दाव पर लगा दिया गया, बिल्कुल उस केस में CBI का आरोपों को साबित नहीं कर पाना या कोई केस पे पुख्ता न बनाना, जिस प्रकार से न्यायालय की टिप्पणी आई है, उस तरह से हमें देखना चाहिए कि क्या CBI की भूमिका निष्पक्ष थी या नहीं। क्या ये जनभावनाओं के दबाव में लिया गया फैसला था? सवाल यह है कि 2G स्पेक्ट्रम में अगर कुछ नहीं था तो फिर इसका नेटवर्क का भंडाफोड़ किस तरह हुआ? बहुत सारे सवाल इसमें एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी। जैसे कहा गया कि सबूतों का अभाव, यानी कि जब सबूत ही नहीं मिले तो सजा किस आधार पर होती, कैसे हो पाती? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बात, अब सवाल न्यायालय के बारे में भी है, सवाल CBI के बारे में भी है। CBI पर ये भी आरोप लगता रहा है कि उसने हमेशा राजनीतिज्ञों को बचाने की चेष्टा की है। CBI पर ये भी सवाल उठता है कि वो हमेशा सरकार की कठपुतली या सरकार का तोता, पिंजरे में तोता कहा गया है उसको। इस पर भी न्यायालय ने बहुत सारी टिप्पणियां की है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब ये फैसले की पहली पंक्ति मैंने पढ़ी कि इस एक, मतलब इतने बड़े घोटाले में सभी जो तीनों मेन आरोपी हैं, ए राजा हो, कनी मोझी हो या और भी हो, तो सभी बरी कर दिए गए। तो आश्चर्य तो जरूर होता है, लेकिन CBI को अपने भीतर में आत्ममंथन करना चाहिए। लेकिन अब यह आरोप कि CBI किसकी कठपुतली है, CBI का इस्तेमाल सत्ता ने किया या किसने किया, ये सवाल लोगों के सामने बहुत बड़ा है। बिल्कुल, और दुरुपयोग किया या फिर इस पूरे मामले में राजनीति हावी रही, इस वजह से हुआ। बहरहाल शुक्रिया आपका हरीश चोपड़ा जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो बिल्कुल बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिरकार इतने बड़े घोटाले में, जिसपे पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार पर दाग लगा दिए, पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार बैकफुट पर इस पूरे मसले को लेकर आई, लेकिन इस पूरे घोटाले में सभी आरोपी बरी, जिसमें कहा गया कि सबूत नहीं मिले किसी के भी खिलाफ, इसी वजह से सभी को बरी कर दिया गया है। जिन जिन पर भी आरोप थे साल 2010 में, पूरा का पूरा ये मामला प्रकाश में आता है और उसमें सवाल जब उठता है, जब आवंटन किया जाता है तो कहा जाता है पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत आवंटित कर दिया गया स्पेक्ट्रम। इसके बाद
सवाल दर सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार सभी आरोपी कैसे बरी हो गए। साथ ही ग्राफिक्स हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे ये जो पूरा घोटाला है ये सामने आता है और उसके बाद प्रकाश में आने के बाद अब इस मामले में क्या कुछ हुआ है। अब आपको बता दें कि कोई भी सबूत नहीं मिला, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सभी आरोपी बरी हो गए। आज सबकी निगाहें इसी पर थी कि फैसला क्या आता है, जिसमें बड़े नाम जो थे वो शामिल थे, चाहे बात ए राजा की जाए या फिर कन्नीमोझी की जाए, सभी के सभी जो नाम थे वो शामिल थे। अब इस पूरे मामले में ये कहा जा रहा है कि शायद या तो राजनीति हावी या जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सवाल जरूर उठ रहे हैं कि इतने बड़े मामले में जो पूरा खुलकर सामने आया था उसमें कैसे सभी आरोपी बरी हो गए, वो भी कोई भी सबूत ना मिलने के अभाव में। तो तुलसी घोटाला है क्या, आपको लगातार हम ये भी दिखा रहे ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर ये कब प्रकाश में आया था और उसके बाद इस पूरे मामले में क्या हुआ। एपी सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जो कि हाई कोर्ट के वकील हैं। एपी सिंह जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं? जी, नमस्कार। एपी सिंह जी, कोई भी आरोपी उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिलना 2G स्पेक्ट्रम में किस ओर इशारा कर रहा है ये पूरा मसला? अब या तो इसके दो पहलू जाते हैं, या तो ये देश ही पूरा झूठा बनाया जाए उसे पॉलिटिकल माइंड लेने के लिए, राजनीतिक फायदा लेने के लिए, उस समय की सत्तारूढ़ पार्टी को बदनाम करने के लिए या तो साजिश की है, या फिर दूसरी तरफ ये है कि गवाहों को डॉक्यूमेंट, क्योंकि 2G स्पेक्ट्रम में एविडेंस ज्यादा थी, फिजिकल एविडेंस की बात नहीं थी जितनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात थी। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस गवर्नमेंट को पेश करनी होती, CBI को पेश करनी होती है, पुलिस को पेश करनी होती, कोर्ट को पेश करनी होती, प्रोसिक्यूशन को पेश करनी होती। तो ऐसी स्थिति में ना पेश कर पाना, गवाह की अदालत का काम तो बहुत साफ है, स्पष्ट है, सबूत आएंगे, साक्ष आएंगे, कानून की देवी जो है वो न्याय की जो तरह। एपी सिंह जी आपकी आवाज, उसके सामने बताया जाएगा, बोला जाएगा, जो गवाह के रूप में रखा जाएगा वो मान्य होगा। तो इस सब को देखते हुए जो बरी किए गए हैं, अब उसके पास ऑप्शन के तौर पे उनके पास आगे का भी ऑप्शन है, आगे अपील कर सकते हैं उस ऑर्डर के खिलाफ, अगर उनके पास कोई तथ्य है, कोई साक्ष्य है, कोई ऐसे सबूत है, तो सबूत जो उनको रखा उन्हें रखना चाहिए, अब नहीं रखा तो प्रोसिक्यूशन के लेवल से उनकी कमियां थी, अब कमियां जानबूझ के थी या नेचुरल थी कमियां, नहीं मिल सकते थे सबूत। अच्छा, अब एपी सिंह जी आगे आगे क्या, अब क्योंकि अभी तो सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है, लेकिन आगे इस अब आगे स्टेट को, आगे स्टेट को उसमें तो बहुत बड़ा घोटाला था, ये घोटाला इतना था कि 0000 सभी पार्टियों को भी अवसर मिले, इतना बड़ा घोटाला, और हमारे देश की लज्जाजनक स्थिति आई विदेशों में कि भारत इतना तरफ देश है, भारत इतना भ्रष्टाचारी देश है। तो ये सब बातों को देखते हुए कि ऐसा ऐसा स्थिति उत्पन्न हुई, अब उसका रिजल्ट ये हुआ, अब वो जो अपराधी थे वो ये भी कह सकते हैं हमें कितने दिन परेशान कर दिया गया, हमारे तो राजनीति खत्म हो गई, हमारा सामाजिक स्टेटस खत्म हो गया, हमारी तो सरकारी नौकरी खत्म हो गई, ये सब भी है। अब इसके अध्यक्ष सरकार को आगे उसके रिविजन में जाना चाहिए स्टेटमेंट के खिलाफ आगे, और अपने ठोस सबूतों के आधार पर रख सकती है तो रखे, नहीं तो 2G स्पेक्ट्रम मामला अपने समय का ऐतिहासिक घोटाला था, मीडिया ने खूब खबरें बटोरी इस पे, लोगों का सिर लज्जा से झुका, इस देश के नौकरशाहों का भी हुआ, जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनके भी सामने आई, जो अधिकारी वर्ग था उसके सामने भी आई, लोगों का विश्वास सरकार से उठा, लोगों का विश्वास सिस्टम से उठा, और ये सब होने के बाद उसके बाद नए कानून बने इस पर, 2G स्पेक्ट्रम के जो बिक्री थी और उसका अलॉटमेंट था, लोकेशन था, सब उसका दोबारा सब सही सिस्टम से हुआ, आगे सिस्टम से हुआ। अब इसमें जाके केस बरी हो जाए तो इसका मतलब तो पूरा दूसरा केस था, मुलजिमों का हरेसमेंट किया गया, ये सब बातें बहुत ध्यान देने की है। यानी कि अगर आगे इस केस में एपी सिंह जी बात की जाए तो ये भी कहा जा सकता है, जैसे आपने कहा कि हरेसमेंट किया गया, इतना लंबा केस खींचा गया, तो ये सब लोग भी अब इस पूरे मामले के खिलाफ सामने आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए आपका न्यूज चैनल उत्तर भारत में, हिंदी भाषी प्रदेशों में, उत्तर भारत में बहुत अधिक देखा जाता है, उसके माध्यम से भी, और आप लोगों की भूमिका बिल्कुल निष्पक्ष रहती है, आपका यही कहना है कि दोषी बचना नहीं चाहिए और किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, यही हमारा देश का संविधान कहता है, यही हमारे देश की IPCC कहती, कानून कहता, न्याय व्यवस्था कहती है। तो इस सब को देखते हुए अगर बरी होते हैं तो हरेसमेंट हुआ नेचुरल,
उनका हरेसमेंट दोषी थे तो उन्हें सजा होनी चाहिए। अब सजा के लिए कोर्ट के पास प्रोसिक्यूशन ने पर्याप्त सबूत नहीं दिए, तथ्य नहीं दिए, साक्ष्य नहीं दिए, सारी एविडेंस जो डॉक्यूमेंट्री थी, कोई अपीयरेंस वाली बात थी तो अलग चीज थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसमें सबसे ज्यादा थी। और पीएमओ ऑफिस शामिल था उसमें, देश के केंद्र सरकार उसमें शामिल थी। अब वहां भी अगर एविडेंस नहीं मिलती है, संसदीय प्रणाली में नहीं एविडेंस मिलती है, मंत्रालयों के पास कोर्ट मिनिस्ट्री और ये सब जो मिनिस्ट्री थी, यूजी स्पेक्ट्रम और जो हवा ये सब था, संचार मंत्रालय, दूर संचार मंत्रालय, इनके पास भी अगर गवाही नहीं थी तो बड़ी खबर हमने आपको बताई जिसमें सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर हमने आपको बताई, स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। अब बात करते हैं उस खबर की जो प्रदेश से जुड़ी हुई है और आज काफी अहम है। जी हाँ, आज प्रदेश में 10 बजते ही हॉर्न का आवाज सुनाई दी हर जगह पर। मकसद था मेगा मॉक ड्रिल। जी हाँ, गुरुग्राम की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है। मकसद है किसी भी आपदा से कैसे निपटा जाए, किसी भी विपरीत परिस्थिति में किस तरह से जो एनडीआरएफ की टीमें हैं या फिर पुलिस है या फिर जो अन्य सेना की टीमें वो किस तरह से काम करती हैं और कैसे आज इस पूरी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, ये जानने के लिए संवाददाता हमारे साथ अनिल मोर जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरह से आज मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ, गुरुग्राम की तस्वीरें आपने हमें दिखाई जहां पर ये देखा गया कि कैसे पूरे तरीके से जो तमाम टीमें हैं वो मुस्तैद दिखी और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई, क्या अपडेट है अब इस पूरे मसले पर? देखिए, मैं एमजे मॉल के बाहर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो मॉक ड्रिल जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे की जा रही है। अब से कुछ देर के पहले यहाँ पे जो कृत्रिम बारिश है फायर ब्रिगेड के संयंत्रों से, वो बारिश यहाँ पे की गई है और आप देख सकते हैं किस तरह अधिकारी यहाँ मौके पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी बारिश यहाँ पे की गई है और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा नज़ारा, जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, जो हरियाणा पुलिस की टीम है, वो सारे के सारे यहाँ पे पहुँचे और जो अधिकारी है लगातार यहाँ पे आदेश दे रहे हैं कर्मचारियों को। सर, जो यहाँ का जो पूरी की पूरी मॉक ड्रिल है कैसी रही, कितना संतुष्ट है अधिकारी? एज एंड व्हेन वी गॉट द इन्फॉर्मेशन कि देर इज सम कैजुअलिटी, कुछ आग भी लगी, अर्थक्वेक के बाद आग भी लग गई, तो दोनों चीजों को देखा गया। तो सबसे पहले मॉल में आते ही लोगों को ये कहा गया डोंट पैनिक, सबसे पहले आप बैठ जाएं और अपने हेड को कवर करें और होल्ड करें अपने आप को, सबसे पहले पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्टेट जो डिजास्टर रिलीफ हमारी टीम थी, उन्होंने एक एक को इवैक्यूएट करा, बाहर लेके आए। उसके बाद डॉक्टर्स ने चेक करा सबसे पहले कि कौन कौन क्रिटिकली इंजर है, उनको एम्बुलेंस के अंदर भेजा गया एंड पुलिस टीम भी थी, क्राउड मैनेजमेंट भी करा गया और उसके साथ साथ मॉल वालों ने भी हेल्प करा, हमारी मॉल की फुल टीम ने, डीएलएफ की टीम ने, फायर ब्रिगेड ने, एवरीवन सपोर्टेड एंड द पीपल आल्सो सपोर्टेड। लोगों को लिफ्ट भी किया गया उस मशीन से ऊपर? हाँ, लोगों को लिफ्ट भी किया गया, एक पता चला टेरेस के ऊपर एक कैजुअल्टी है तो उसको भी लिफ्ट किया गया। यस, यानी प्रशासन भविष्य के लिए बिल्कुल रेडी, अगर इस तरह की कोई हादसा हो ना हो हम तो चाहेंगे ऐसा हादसा ना हो, लेकिन प्रशासन पूरा स्तर का जो मॉक ड्रिल पूरी की पूरी बिल्कुल आप सेटिस्फाई है जो यहां पे प्रशासन की तरफ से कर्मचारी ने जो काम किया? इसका पर्पस ही यही था कि वी शुड बी रेडी फॉर ईच काइंड ऑफ अनफोर्सीन इवेंट्स, इसका पर्पस ही यही था। हरियाणा के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब सारे के सारे जिलों में इस तरह के जो आपदा प्रबंधन को लेकर जो काम किया गया, आप देख सकते हैं कि क्या नजारा यहाँ का मौजूद है। तकरीबन अब से कुछ देर पहले यहाँ पे बारिश की गई थी क्योंकि जो आपदा की तरह तरह की स्थितियाँ होती हैं, तरह तरह की परिस्थितियाँ होती है, अगर फायर ब्रिगेड के संयंत्रों की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे बारिश की जाती है और मॉल के अंदर जितनी भी कैजुअलिटी थी उनको बाहर यहाँ पे निकाला गया और वो लिफ्ट, वो मशीन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उस मशीन से लोगों को ये लिफ्ट किया गया, मॉल के ऊपर से उनको लिफ्ट किया गया। 90 मीटर ये मशीन है, स्काई लिफ्ट इसको बोलते हैं, इस मशीन से लोगों को लिफ्ट किया गया और फिलहाल जो जो पूरा का पूरा जो रिहर्सल था, जो प्रैक्टिस की गई थी आपदा प्रबंधन के लिए, वो लगभग अपने अंतिम दौर में है। जितनी भी कैजुअलिटी थी कैजुअलिटी को बाहर लाया गया, सभी को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल यहाँ पे ले जाया गया और फिलहाल जो आपदा प्रबंधन है वो बिल्कुल अंतिम दौर में है, जो रिहर्सल किया जा रहा है।
ठीक है, बिल्कुल अनिल, जैसे तस्वीरें हम देख रहे हैं और जिस तरह से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और अब तक इसकी जो रिहर्सल है वो चल रही है, मकसद साफ है कि किसी भी आपदा से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर प्रदेश, प्रदेश के लोग और प्रदेश की तमाम टीमें एक साथ एकजुट होकर काम करें। बहरहाल बहुत शुक्रिया अनिल, आपका तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो देखा आपने तस्वीरों के जरिए किस तरह से जो मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और बड़े लेवल पर इसको किया गया, मकसद यही है कि कोई भी अगर आपदा आती है तो कैसे उससे निपटा जा सके, पैनिक ना होए, बल्कि उस समस्या से, उस आपदा से कैसे निपटना है, इसकी जानकारी इसके जरिए दी जा रही है। बहरहाल यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। मनोहर राज में गुंडे राज की, जी हाँ, मनोहर सरकार को 3 साल बीत चुके हैं लेकिन बावजूद इसके कानून व्यवस्था को लेकर सवाल अब भी उठ रहे हैं और कम नहीं हो रहे। ना गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आने का सिलसिला रुक रहा है और ना ही बदमाशों के हौसले कम होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में मनोहर राज कहे या फिर इसको गुंडा राज कहा जाए, ये अपने आप में सवाल बहुत बड़ा बना हुआ है। सीसीटीवी में कैद ये कानून व्यवस्था की वो तस्वीरें हैं जो आए दिन सामने आ रही हैं और चीख चीख कर कह रही हैं कि प्रदेश में बदमाशों को किसी का खौफ नहीं है। ये ताजा तस्वीरें हैं फतेहाबाद की, जहां ससुराल वालों ने दामाद को ठिकाने लगाने के लिए एक खौफनाक साजिश रची। लोहे की रॉड से युवक पर इस कदर कहर बरपाया कि उसे अधमरा कर दिया और अपहरण करने की कोशिश भी की। घर में हुए हमले की सामने आई ये सीसीटीवी तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। ये 15 दिसंबर की रात को तकरीबन 9 बजे के करीब मेरे साला और उसके 3-4 साथी और 3 मेरे पड़ोस के लड़के हैं, वो आगे मेरे घर में घुसे हैं। उन्होंने आगे मेरे चोट मारी है, वो मेरा अपहरण करके मेरे को लेके जाना चाहते थे लेकिन मेरा अपना गेट पकड़ लिया तो मुझे अपहरण नहीं कर पाए। इस कारण उन्होंने पहले मेरे घर के अंदर मेरे को चोट मारी है, फिर खींच के मेरे को बाहर गली में लेके गए। युवक का आरोप है कि ससुराल वालों ने उस पर जानलेवा हमला किया। उसका अपनी पत्नी से तलाक का केस फतेहाबाद के कोर्ट में विचाराधीन है। हाल ही में कोर्ट ने प्रॉपर्टी को लेकर फैसला उसके हक में सुनाया था, जिसके बाद से ससुराल पक्ष के लोग उस पर हमले की फिराक में थे। कोर्ट में भी ससुराल वालों के साथ उसकी कहा सुनी हुई, जिसकी शिकायत उसने फतेहाबाद पुलिस को दर्ज करवाई थी। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ सीआईडी विंग में तैनात एक कर्मचारी भी शामिल है। कानूनी कार्रवाई में सीआईडी कर्मचारी की दखलंदाजी है। 15 दिसंबर को भी उस पर हमले की साजिश की गई थी, उस पर लोहे की रॉड से हमला किया गया था लेकिन पुलिस ने मामले को दबा दिया था। मेरे साथ दूसरी बार हुई है, मार्च महीने भी मेरे को अंदर मेरे घर में घुस गए, वो मेरे चोट मार के गए हैं। उस टाइम भी मेरा मामला बिल्कुल दबा दिया गया था। 45 दिनों के बाद मेरी एफआईआर लिखी गई थी, 45 दिनों के बाद उनको अरेस्ट किया गया था। उस चीज़ में भी सारा इस सीआईडी इंस्पेक्टर सीआईडी का जो लड़का है प्रदीप बाबू, उसका हाथ था। मुझे बहुत उसके लिए बहुत कुछ भटकना पड़ा था। वही एसएचओ का कहना है कि युवक की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे पहले भी शिकायत मिली थी, तब भी कार्रवाई की गई थी। कसम पारिवारिक मामला था, मियां बीवी का मामला था, तो काफी पुराना चल रहा था, जिसमें 2-3 दिन पहले उसको चोट मार गए। चोट मारने के बाद कल पुलिस को स्टेटमेंट मिली है तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया, तो जल्द ही उनको गिरफ्तार किया गया। गुंडागर्दी की यह कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले यमुनानगर में भी इस तरीके की खौफनाक तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि पुलिस बदमाशों के सामने बेबस है और प्रदेश में मनोहर राज नहीं बल्कि गुंडा राज है।
ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आपने देखा होगा किस तरह से इसे मनोहर राज नहीं बल्कि गुंडा राज कहा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि 45 दिनों तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है पीड़ित को और उसके बाद फिर से हमला हो जाता है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि क्राइम आखिरकार प्रदेश में इतना क्यों बढ़ गया है। हमारे साथ कुलदीप सिंह जी हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। कुलदीप सिंह जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कुलदीप जी क्या कहेंगे आप इस तस्वीर को देख के जहां पर एक पीड़ित न्याय की आस में बैठा हुआ है, उसके साथ मारपीट भी हो जाती है लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। ये सारी जगह की प्रॉब्लम है, पूरे प्रदेश में कहीं पर भी देखा जा रहा है। वो सुनवाई किसी पॉलिटिकल दबाव, आपके इस वीडियो में भी दिखाया गया है कि कोई सीबीआई का बंदा ही ससुराल पक्ष के साथ मिला हुआ है, कहीं ना कहीं उनको भी प्रेशर होगा कि भाई वो उसके साथ मिलकर पुलिस या सीबीआई वाले बंदे भी काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से मैम ये हो पाता है कि नीचे वाले कर्मचारी या पुलिस वाले जो होते हैं वो काम नहीं कर पाते। तो सिस्टम की ऊपर से ही खराबी है। जो आप बोल रहे हैं कि मनोहर सरकार के जो है वो गुंडा राज में तब्दील हो रखी है, कोई किसी तरीके का काम नहीं हो रहा। ठीक है, ये तस्वीरें यही बता रही है कि किसी तरह का जो काम है नहीं हो पा रहा है और सरकार के राज में किस तरह से पीड़ित को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। बहरहाल यहाँ पर अब इंसाफ कब मिलता है शख्स को और क्या जो पीड़ित है वो जो न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है वो न्याय उसको मिल पाता है और क्या पुलिस इसमें निष्पक्ष जांच करती है, जरूर देखना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप जी, आप इस कार्यक्रम में आए हमारे साथ और चर्चा हमने इस विषय को लेकर की कि कैसे क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है प्रदेश में। अब देखना ही होगा इस पूरे मामले पर पुलिस किस तरह की कार्रवाई आगे करती है। बहरहाल इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।